Hello everyone, welcome to my channel. Question is, the rainwater that falls on the roof of area 6160 meter square is collected in a cylindrical tank of diameter 14 meter and the height is 10 meter, and thus the tank is completely filled. So find the height of the rainwater on the roof. सो मेन आपको फाइंड करना है क्या, रूफ पर जो रेन वाटर कलेक्ट हुई है उसकी हाइट फाइंड करनी है. तो सबसे पहले तो रूफ हम ड्रॉ कर देते हैं, रूफ ओके, जिस पर जो रेन वाटर है दैट इज कलेक्टेड, रेन वाटर कलेक्ट हुई है. एंड रूफ का एरिया क्या है, रूफ का एरिया 6160 मीटर स्क्वायर है. सो हम ये लिखते हैं दैट एरिया ऑफ रूफ इज इक्वल्स टू सिक्स थाउजेंड वन सिक्सटी सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ इट इज़ कलेक्टेड. अब जो रेन वाटर है वही रेन वाटर को हम कलेक्ट कर लेते हैं एक सिलेंड्रिकल टैंक में. सो एक सिलेंड्रिकल टैंक में इसकी जो डायमीटर है दैट इज़ गिवन, डायमीटर गिवन है एज, डायमीटर है 14 मीटर एंड द हाइट इज़ 10 मीटर. So this height is 10 meter. Okay. Now, अब हम क्या करेंगे, हमें height of rainwater on the roof निकालना है. So सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि जो rainwater fall हुआ था roof पर, वही rainwater हमने cylindrical tank में collect कर लिया, वही rainwater हमने cylindrical tank में इधर collect कर लिया है, जिससे कि जो cylindrical tank है वो completely filled हो गया rainwater से. So हम कह सकते हैं, we can say that volume of water collected on the roof, हम कह सकते that volume of water collected on the roof is equals to volume of cylindrical tank. ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड ऑन द रूफ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक. सो अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करते हुए चलना है. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड ऑन द रूफ, तो हम वाटर पे जो रूफ पे जो वाटर कलेक्ट हुई है उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे. अब देखो, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू एच. सी, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट. सो एरिया हमें गिवन है दैट इज 6160 मीटर स्क्वायर और हमें हाइट निकालना है. सो हम एरिया को ले लेते हैं 6160, ये गिवन है एंड हाइट इज एच. सो हम इधर लिखेंगे दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड ऑन द रूफ इज इक्वल्स टू 6160 एच. ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब टैंक. सो दिस इज़ द सिलेंड्रिकल टैंक. अब इसकी हमें डायमीटर और हाइट दी गई है. सो डायमीटर इज इक्वल्स टू 14 मीटर. सो इसकी रेडियस क्या हो गई, ये रेडियस क्या हो गई, रेडियस हो गई इसकी 7 मीटर. ओके, सो 7 मीटर रेडियस एंड विद 10 मीटर हाइट. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच. सो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, पाई क्या है 22/7 इंटू, ये आर क्या होगा 7 × 7 और ये एच इज 10. सो 7 × 7. नाउ अब हम क्या करेंगे, हम इस 6160 को आर एच एस पर ले आते हैं. सो एच इज़ इक्वल्स टू 22 × 7 × 10 अपॉन 6160. ओके, सो नेक्स्ट पेज. नाउ सो दिस वॉज वॉट 22, सो वी कैंसल इट हेयर ओनली. ओके, सो नाउ फर्दर सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आएगा, फर्दर सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 154/1616. ये है 22, 7, 154 एंड हेयर
616. सो इधर हम सॉल्व करेंगे, सो दिस इज इक्वल्स टू 0.25 meter. इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे, सो दिस इज इक्वल्स टू 0.25 meter द हाइट ऑफ रेन वाटर सो डन. हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले हमने क्वेश्चन में जो एरिया ऑफ रूफ है वो गिवन था, सिलेंड्रिकल टैंक की डायमीटर इज गिवन एंड हाइट वॉज गिवन. देन तो एरिया ऑफ रेन वाटर हमें गिवन था, मीन्स एरिया ऑफ रूफ वॉज गिवन, एंड वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर था हमारे पास 6160 H. ओके, एरिया इंटू हाइट यानी कि 6160 इंटू H. हेयर लाइक ओके हेयर 6160 H, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक वॉज पाई आर स्क्वेयर H. दीज आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है. वाई? बिकॉज यही जो रेन वाटर है इधर, यही रेन वाटर को हम इस सिलेंड्रिकल टैंक में फिल कर देते हैं, जिससे कि मतलब जो दोनों का जो वॉल्यूम है सेम ही रहेगा. सो हमने इक्वेशन इधर बैठा दी कि वॉल्यूम दोनों के सेम है. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड ऑन द रूफ इज सेम इज इक्वल्स टू वॉट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक. सो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमने H की जो वैल्यू है, हाइट ऑफ रेन वाटर ऑन द रूफ फाइंड किया. ओके, हाइट ऑफ रेन वाटर ऑन द रूफ, सो वी हैव द हाइट ऑफ रेन वाटर एज 0.25 meter. इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, सो वी विल हैव 25 centimeter. सो वी राइट हियर दैट हेंस height of rainwater on the roof is equals to 25 centimeter. Okay, thank you, and please subscribe to my channel if you understand this question, the answer. Thank you.